अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जो इक्वेशन गिवन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं, उसको हम सिर्फ देखेंगे, चेक करेंगे आज, ठीक है। ये मालूम करेंगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक है। अब बाद में हम नेक्स्ट इसकी जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं क्या एग्जैक्ट है या नहीं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एम एक्स वाई डी एक्स, ये मल्टीवेरिएट फंक्शन, एम इज अ फंक्शन एक्स वाई, इसी तरह एन इज अ फंक्शन एक्स वाई, ठीक है। ये दोनों फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, ठीक है, और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके शर्त ये है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एन को भी लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव एन रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी उलट कर देंगे, ये डी वाई के साथ क्या हम कर डी एक्स कर देंगे, और डी एक्स के साथ क्या कर देंगे वाई कर देंगे, सर एम डी एक्स के साथ वाई के साथ करें। तो अगर ये इक्वल आया था तो उसका मतलब आपके पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। अब ये है क्या, ये क्यों आता है, इसको आज हम थोड़ा देख थ्योरी आप देख लेते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। सपोज आपने देखा होगा टोटल फंक्शन एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब मैं इसका मैं लेता हूँ चेन रूल, तो आपके पास क्या डावा एफ ओवर डावा एक्स, ठीक है, एफ इज अ फंक्शन एक्स वाई, बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पे डी एक्स, ये डी एक्स है, प्लस डावा एफ ओवर डावा वाई डी वाई, ठीक है। अब हमें पता है जैसे हमें टोटल है ना डेरिवेटिव, ठीक है, टोटल फंक्शन कह लो टोटल डेरिवेटिव कह लो, तो हमें पता है जो कंजर्वेशन एनर्जी की हम बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन एनर्जी में क्या होता है आपके पास डीई इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी एफ को हम जीरो रखेंगे, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे डी एफ को जीरो रखेंगे, डी एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी हाँ हमें तो फर्स्ट इक्वेशन बनानी है ना, जब हम इसको जीरो करते हैं तो क्या बताऊ, डावा एफ ओवर डावा एक्स डी एक्स प्लस डावा एफ ओवर डावा वाई डी वाई बचेगा क्या, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने डी एफ को जीरो रखा है, ठीक है। ये इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, ठीक है, अभी बन गया इक्वेशन फोर। अब हम क्या करेंगे, ये जो डावा एफ ओवर डावा एफ ओवर डावा एक्स है इसको हम मानेंगे एम, सपोज करें एम एक्स वाई डी एक्स प्लस डावा एफ ओवर डावा वाई को हम ले लेंगे एन एक्स वाई, ठीक है, डी वाई। तो बात ये कहते हैं, अब बुक्स में लिखा होगा कि एम को हम आमतौर पर देख रहा होगा डायरेक्ट लिखा होगा एम इक्वल डावा एफ ओवर डावा एक्स, समझे क्यों एम क्यों है, हमने सपोज किया डावा एफ ओवर डावा एक्स क्या है एम है और डावा एफ ओवर डावा वाई क्या है एन है, हमें पता है एफ क्या आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ आपके पास क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। अब बाद में क्या इंपॉर्टेंट बात क्या कहना चाह रहा हूं अभी पता चलेगा, कंटिन्यूस फंक्शन क्यों बोल रहा था, ठीक है, और फायदा क्या इसका, ठीक है, ये हो गया एम एन कंटिन्यूस फंक्शन है, तब क्या होगा आपके पास, देखो एम आपके पास क्या है डावा एफ ओवर डावा डावा एक्स है, ठीक है, एम आपके पास डावा एफ ओवर डावा एक्स है, और एन आपके पास क्या है डावा एफ ओवर डावा वाई है। जब मैं आपको लास्ट टाइम अभी बोला है, हमें लास्ट टाइम से बोला फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट स्लाइड में डावा एम ओवर डावा वाई इज इक्वल डावा एन ओवर डावा एक्स क्यों है, ये चीज क्यों आ रही है अभी आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ये लेता हूँ डावा एक्स को डावा एम ओवर डावा वाई, ठीक है, यहाँ क्या होगा सेकेंड डेरिवेटिव आएगा डावा टू एफ डावा एक्स डावा वाई, ठीक है, अब यहाँ करो क्या होगा डावा एन ओवर डावा हम एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी टू एफ डावा वाई,
डावा एक्स रहे, ठीक है। अभी देखो अगर ये एफ कंटिन्यूअस है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस तो क्या होता है, ये जो आपके पास ये जो आपस में क्या होता है बराबर होते हैं, जब कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है, ये जो फर्स्ट कॉलम में डावा एफ ओवर डावा एक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर कोई मसला नहीं होता। देखो डावा डावा एक्स डावा वाई, अगर मैं इसको ऑर्डर चेंज कर दू ना, मीन्स डावा टू एफ डावा वाई डावा एक्स कर दू, यानी मैंने ऑर्डर आगे पीछे कर दू, पहले एक्स के क्लास से डायरेक्ट लिया, फिर वाई क्लास से, मतलब वाई क्लास से एक्स ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर शॉर्ट इससे लिख सकते हैं, मैं पहले एक्स का डायरेक्ट लिया, फिर वाई क्लास से लिया, वो इक्वल होगा, पहले y के साथ लिया फिर x है, जो भी रिजल्ट है इस सेम आएगा, ठीक है। इन जनरल जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है इसमें ऑर्डर कोई परवाह नहीं होता, यानी पहले x क्लास से करो फिर y के साथ करो, ठीक है, समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ डावा m डावा y इज इक्वल टू डावा n डावा x के बराबर, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सही समय बात। तो हमें ये इस लेक्चर बता रहा था, साबित करना था ये डावा एम और डावा वाई डावा एन और डावा एक्स क्यूब बराबर होता है, ठीक है। अब कोई मैं एक मिसाल लेता हूँ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है। हम कोई बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है 3x² y + 2 डी एक्स प्लस प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहां पे हम कंपेरिजन करते हैं जनरल इक्वेशन से, तो क्या होता है हमारे पास एम डी एक्स, ठीक है, प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अच्छा अब ये एम हमारे पास क्या है, 3x² y + 2 और एन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एम को डायरेक्ट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से, ठीक है, डावा एम ओवर डावा वाई, ठीक है। अब वाई के हिसाब से क्या होगा, एक्स कॉन्स्टेंट है, तो ये जो है वाई के साथ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा और 3x², ठीक है। अगर देखो डावा में पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल में क्या होता है दूसरा वेरिएबल कॉन्स्टेंट हो जाता है, अगर ये डी होता तो हमें यू टू वी लेना पड़ता, ठीक है, 3x² हो गया प्लस जीरो, लेकिन जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं डावा एन ओवर डावा एक्स हम करते हैं तो क्या होगा, 3x² आ गया और y के हिसाब से जीरो हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर डावा m ओवर डावा y और डावा n ओवर डावा x, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दुआ में याद रखना और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अभी नेक्स्ट लेक्चर इसका बाकी है, हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, एक्साइट में 9.4 होगा एसएमयूसी की बुक से, ठीक है। तो अपने दोस्तों भी ये वीडियो का लिंक दे दो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और नोटिफिकेशन में आपका आते रहेगा मैं कौन कौन सा लेक्चर बना, ठीक है। जब तक के आपके लिए खुदा हाफिज़ और दुआ भी याद रखना आप लोगों का, आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह हाफिज़।